What is up guys, welcome back to my channel. Nice. Difficult job, you know. अभी जा रहा हूँ एयरपोर्ट, बैक टू बॉम्बे. टाइम इट इज, सीधा चलेंगे, पहले सोएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि इनके यू नो ब्रदर्स के घर सोया हुआ था. पॉइंट पे उठे, पॉइंट पे भागे हम, अभी भी पॉइंट पे पहुंचेंगे. चाबी रहेगी, नहीं चाय नहीं, सॉरी कॉफी. अच्छा मतलब दोनों चीजें कुछ रह गया, स्टीविया रहेगी, स्टीविया कोई ना. दिवाली नू करांगे पूरी यादें अपना बर्थ तोड़ के. क्या बोल रहा था मैं, हाँ जाके सोऊंगे, मेरे को बस ऑटो या ऊबर मिल जाए वहाँ पे क्योंकि आज लास्ट डे है गणेश चतुर्थी का. सो काफी भीड़ रहेगी सड़कों पे एंड फिर मैं आराम से उठूंगा, देखते हैं शाम को जा पाऊंगा अपना बिलबोर्ड देखने या नहीं तो बिलबोर्ड दे फोटो लगी है यार. बस उन्हें जल्दी बिलबोर्ड आऊंगा ऊपर लिखे आऊंगा, दूसरों क्या लिखे आऊंगा, प्रोटीन एंड फैट्स, टी एंड एफ. चलो भाई चंगा चंगा एयरपोर्ट अगली बारी. Until next time, until death do us apart. चल जाएगा brother. Let's go. चलो. जब ज़्यादा करे तो आप चला लो plane. हाँ. चलो. Best breakfast, chicken tikka. Airport पे जल्दी पहुँचने का फायदा. थोड़ा ज़्यादा ही पेट भर लिया मैंने. Black coffee पी लेता हूँ, sort हो जाएगा. सड़कें पूरे साफ कर दिया. फाइनली बैक होम आते ही मैंने 2 किलो चिकन ऑर्डर कर दिया है और आधा किलो कलेजी कि मेरे आने से पहले आ जाए. वैसे मैं भी अंडे खाऊंगा. आते ही भाई बातें स्टार्ट कर दी ना डाइट की मैंने. टेक इट इजी ब्रो, टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी. How are you? क्या है? अच्छा तभी नहीं बोल रहा था. अरे बोला ऐसा बाहर है. वाह जी वाह. हर बा आप भी करेंगे रेस्ट भाई, आज जिम भी नहीं है, छुट्टी आज बिकॉज ऑफ विसर्जन. मन था मेरा जाने का क्योंकि विसर्जन कभी देखा नहीं है वो मेन वाला. कोई ना नेक्स्ट ईयर, मतलब एक ना एक बार तो जाना है. अभी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अभी इधर से निकलूंगा 1.5 घंटा दिखा रहा है तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा. जीतू भाई तो चले गए, मैं घर आया जीतू भाई थे ही नहीं, वो जाते हैं ना विसर्जन देखने फिर बताते हैं आके. मैं हाथ लगा के आया. या डेट्स इट, अभी करूँगा एडिट फिर सोऊंगा मैं क्योंकि 2 दिन का व्लॉग एक साथ जो डालना है. अभी मम्मी का भी फोन आया था सबसे पहले कि तेसी क्यों काट ली कि ते बैग ची ना रे जे, एक तो तुसी बैग नहीं अनपैक कर दे अपना दो दो तीन तीन दिन. वेलकम मॉन्स्टर, हेलो हाउ आर यू. बैग अनबॉक्सिंग हो रही है. मम्मी ने वो भेजा ना देसी की, वो निकाल रहा हूँ. तो जीतू भाई तो रात तक नहीं आने वाले, सोचा खुद ही बना लेता हूँ अंडे, 6 अंडे विद 2 टेबल स्पून ऑफ घर का घी. कल की वीडियो में मैंने एक पार्ट कट किया था जिसमें मैं बता रहा था कि मैंने ब्लड टेस्ट क्यों करवाया था. सो वो था ये, ब्लड टेस्ट हो गया
टर्न पूछे थे कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, मैं कहा नहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही। सो मैंने पूरा फुल बॉडी करवाया सब कुछ इंक्लूडेड। मैं 6 महीने में इसलिए करवाता हूँ सो डेट पता चले कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल कहाँ पे जा रहे हैं कि नॉर्मल लेवल पे है, क्योंकि डाइटिंग में हमें वो चीज ऐसा भी नहीं कि ध्यान रखनी होती है क्योंकि वो ऊपर नीचे होती रहती है। एंड जब तक आप सही फील कर रहे हो, हमको तो हमेशा वैसा ही गाइड किया कि कभी टेस्ट ना करवाओ। मैं इसलिए करवा देता हूँ क्योंकि विटामिन मिनरल्स आयरन प्रोफाइल सब कुछ एक बार मैं देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने आप पे तो सब कुछ देखना ही पड़ेगा कि अगर ये विटामिन कम है ये मिनरल कम है तो मेरे को वो अलग से सप्लीमेंट से लेना पड़ेगा, क्योंकि डाइट हमारी क्या होती है, एक पर्टिकुलर होती है, एक पर्टिकुलर चीजें होती है जो हमको खानी होती है एंड बाकी चीजें हम जो इग्नोर करते हैं सो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पाते। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने के लिए हम मल्टीविटामिन्स खाते हैं। जिम वाले स्पेशली आप देखोगे कि अगर सुबह सुबह मल्टीविटामिन खा रहे होते हैं एंड और भी सप्लीमेंट होते हैं, विटामिन डी हो गया कहीं लेते हैं, K2 हो गया, MK47 हो गया, फेशियल हो गया, चलो फेशियल तो हर बंदे को ही लेना चाहिए, और विटामिन्स हो गए, बी के हो गए, सी के हो गए, सब कुछ हो गए। कई लोग बहुत फालतू में लेते हैं जबकि उनकी बॉडी में बहुत सफिशियंट अमाउंट में है, आपकी डेली डाइट में आपको वो मिल रहा है तो वो अलग से आप ले रहे हो तो विच इज नॉट गुड। अगर आपका कोई विटामिन मिनरल बॉडी में कंप्लीट है एंड आप उसे फालतू में वो ले ही आ रहे हो जो बॉडी को चाहिए नहीं, मतलब ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा बट पैसे क्यों वेस्ट करने हैं। कुछ सप्लीमेंट है जो आप वैसे भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मल्टीविटामिन इसलिए क्योंकि उसमें हर मल्टीविटामिन होता है, हर विटामिन होता है बट वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में होता है, ऐसा नहीं है डेडिकेटेड विटामिन ए ले रहे हो, बी ले रहे हो, सी ले रहे हो, डेडिकेटेड नहीं है वो, सबको छोटा 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 आपको प्रोवाइड कर देता है सो डेट आपका दिन बढ़िया रहे। फिश ऑयल बेस्ट फॉर योर हार्ट हेल्थ, सबको लेना चाहिए। भाई 9 बजे मैं सो गया था बट बाहर जो सेलिब्रेशन चल रही है वीडियो, मन कर रहा है कहीं पे जाके देख के आऊं। वाओ गणेश जी के दर्शन हो गए, लेट्स गो। जीतू भाई आए नहीं है सो बाहर से मैंने तंदूरी चिकन मंगा लिया, डिनर तो करना ही है अभी, 2 घंटे बाद उठा हूँ, इतनी भूख लगी हुई थी मेरे को। इतना प्यारा माहौल हुआ बड़ा ना, मैं फटफट बाकी तो चले गया था देखने पास से बट वो विसर्जन वाला मतलब मेन विसर्जन होता है जो लाल बाग वाला, वो देखना है ब्रो लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करना है पूरा अंदर जाके। इस बार मैंने सोचा था बट मेरे को यही नहीं पता था कि जबकि मेरी वापस की फ्लाइट है उसी दिन है विसर्जन, मेरे को नहीं पता था 17th को है, नहीं तो मैं पक्का जाता। इस बार मैंने सोचा हुआ था, कोई ना नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर एक्सपीरियंस तो करना है ब्रो। Feels like Diwali. हर गणेश चतुर्थी अलग अलग सेलिब्रेट किया, हम भी लेके आए थे एक बार, रोज उठ के पूजा करनी फिर शाम को करनी। बढ़िया था बाकी यार, that's it for today. कल सुबह मेरा शूट है, बिलबोर्ड भी देखने जाना है, कल लाएंगे मजे। कल एक इवेंट भी है रात को है बट को रेड बुल का, उसके लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। छोटा सा व्लॉग था, मैं सो गया था यार, अभी हम जा रहे हैं पैडल खेलने। चलो पैडल खेले, पैदल चल के पैडल खेले। कबीर आ गया क्या? Ha 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 ha!